हमारे मानव इतिहास में बहुत से ऐसे कलाकार हुए हैं जिनकी बनाई हुई कलाकृतियां आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। जब भी हम उनकी बनाई हुई कलाकृतियों को देखते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम किसी पेंटिंग को देख रहे हैं, बल्कि ऐसा फील होता है कि हम कोई रियल चीज देख रहे हैं। इस वीडियो में हम ऐसी ही एक रहस्यमय पेंटिंग के बारे में जानेंगे जो सदियों से चर्चा का विषय रही है। मोनालिसा पेंटिंग, ये वो पेंटिंग है जो हमेशा से ही लोगों के लिए, चाहे वो दर्शक हों या खोजकर्ता, सबके लिए अबूझ पहेली बनी हुई है। और इसको बनाने वाले कलाकार थे लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची अपने आप में ही एक अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वे लगभग हर कला में ही माहिर थे। दा विंची उस समय के सबसे बड़े कलाकारों में से एक थे। वे एक पेंटर होने के साथ साथ वैज्ञानिक और लेखक भी थे। लियोनार्डो दा विंची की सबसे अनोखी और खास बात ये थी कि वे अपने दोनों हाथों से एक ही समय में दो अलग अलग काम कर सकते थे। वे एक हाथ से पेंटिंग करते तो दूसरे हाथ से लिख सकते थे। इटली के जन्मे इस महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची ने अपने पूरे जीवन काल में बहुत सी पेंटिंग्स बनाई और इसके साथ साथ वे राजनीतिक तौर पर भी सक्रिय थे। दा विंची एक प्रकृति प्रेमी व्यक्ति थे। वे इतने अद्भुत थे कि वे आर्ट और साइंस को एक साथ जोड़कर किसी चीज को पेंटिंग पर दिखाने में माहिर थे और ये पेंटिंग्स बेहद खूबसूरत और रहस्यों से भरी हुआ करती थीं। मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की ऐसी ही एक रहस्यमय पेंटिंग है। इस पेंटिंग को दा विंची ने आज से लगभग 500 साल पहले बनाया था, लेकिन ये इतनी खूबसूरत और अद्भुत है कि ये आज भी हमारे दिलों पर राज करती है। इस पेंटिंग को बनाने में दा विंची को 16 वर्षों का समय लगा और पेंटिंग में सबसे ज्यादा समय मोनालिसा के होंठ बनाने में लगा। ये पेंटिंग 1503 में बननी शुरू हुई और लगभग 1519 तक इस पेंटिंग पर काम चला। बताया जाता है कि ये पेंटिंग अभी भी अधूरी है। मोनालिसा का इटली में शाब्दिक अर्थ है माई लेडी। लियोनार्डो दा विंची की इस फेमस पेंटिंग पर दुनिया भर में आज भी रिसर्च और बहस चल रही है। दा विंची ने इस पेंटिंग को किसी कागज या फिर किसी कपड़े पर नहीं बनाया, बल्कि इसे पोपलर लकड़ी के पैनल पर बनाया गया है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उस समय कागज नहीं थे, बल्कि उस समय के कलाकार पोपलर की लकड़ी पर पेंट करना ज्यादा पसंद करते थे। मोनालिसा की इस पेंटिंग को ऑयल पेंट से बनाया गया है, जिसमें 30 से भी ज्यादा लेयर्स का उपयोग किया गया है। इसमें कुछ लेयर्स तो ऐसी हैं जो कि एक इंसानी बाल से भी ज्यादा पतली हैं। इस पेंटिंग का साइज 30x21 इंच का है और इसमें बेहद हैरान करने वाली बात यह है कि इस पेंटिंग में कोई भी आउटलाइन नहीं है, जो इस बात को दर्शाता है कि इसको बनाने वाला कितना बुद्धिमान और प्रतिभाशाली था। क्योंकि पेंटिंग बनाने में आउटलाइन का उपयोग ना हो, ये बेहद हैरानी वाली बात है। वैसे तो मोनालिसा पेंटिंग एक महिला की पेंटिंग है, लेकिन ये बात आज तक कोई भी नहीं जानता कि आखिर ये पेंटिंग है किस बारे में। मतलब ये कि मोनालिसा इस पेंटिंग में आखिर कहना क्या चाहती है, वो हमें क्या बताना चाहती है, वो कौन से राज हैं जो मोनालिसा छिपा रही है। क्योंकि लियोनार्डो दा विंची हमेशा ही जो भी कुछ समाज को कहना चाहते थे वे अपनी पेंटिंग के जरिए ही कहा करते थे। लेकिन मोनालिसा की ये पेंटिंग काफी अलग है, मानो मोनालिसा कुछ कहना चाह रही हो और तभी दा विंची ने उन्हें पेंट कर दिया हो, और वो जो कहना चाहती थी वो शायद अब कभी नहीं कह पाएगी। मोनालिसा पेंटिंग की सबसे रहस्यमय बात है उसकी स्माइल। उसकी स्माइल के बारे में कहा जाता है कि अलग अलग एंगल पर देखने पर उसकी स्माइल चेंज होती रहती है। मतलब ये कि अगर हम दूर से उसे देखें तो मोनालिसा उदास नजर आती है, और जैसे जैसे हम पेंटिंग के नज़दीक आते जाते हैं तो मोनालिसा खुश नजर आने लगती है और स्माइल करती नजर आती है। उसकी इस स्माइल पर लोगों के अलग अलग मत हैं। एक मत ये है कि मोनालिसा के ऊपर के बीच के दो दांत टूटे हुए हैं, इस वजह से उसकी स्माइल चेंज होती है। जबकि दूसरा मत कहता है कि मोनालिसा की स्माइल का चेंज होना उसे देखने वाले की मानसिकता पर निर्भर करता है। अगर देखने वाला उसे दुखी मन से देख रहा है तो मोनालिसा उसे उदास नजर आएगी, और अगर देखने वाला खुश है तो मोनालिसा उसे स्माइल करती नजर आएगी। एक रिसर्च में मोनालिसा की कई लेयर्स को हटाकर जांच की गई, जिसमें ये पाया गया कि मोनालिसा 83% खुश, 9% उदास, 7% रहस्यमय और 1% संतुष्ट है।
मोनालिसा पेंटिंग में जो महिला है, ये महिला हकीकत में कौन थी ये कोई नहीं जानता, और ये सच में कोई महिला थी भी या नहीं ये भी कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि ये महिला लियोनार्डो दा विंची की माँ थी, तो कुछ लोग मोनालिसा को उनकी प्रेमिका बताते हैं। वहीं कुछ खोजकर्ता ये भी बताते हैं कि ये लियोनार्डो दा विंची ने अपने आप को एक महिला के रूप में पेंट किया है, लेकिन ये बात कितनी सच है इसे पक्के तौर पर कोई नहीं कह सकता। इस बात को लेकर एक अलग मत और है, वो ये कि ये तस्वीर दा विंची के फ्लोरेंस के एक दोस्त फ्रांसिस्को डेल जियोकांडो की पत्नी की है। फ्रांसिस्को एक बड़े व्यापारी थे जिन्होंने अपनी पत्नी की पेंटिंग दा विंची से बनाने को कहा। मोनालिसा की इस खूबसूरत पेंटिंग में आईब्रोज नहीं हैं, लेकिन एक रिसर्च में ये बताया गया है कि दा विंची ने एक पतली लेयर से आईब्रोज बनाई थीं, लेकिन इस पेंटिंग की सफाई करते हुए ये धीरे धीरे गायब हो गईं। लेकिन फिर भी ये पेंटिंग अभी भी बेहद खूबसूरत लगती है। ये पेंटिंग गिनीज़ बुक रिकॉर्ड के अनुसार अभी तक की सबसे महंगी पेंटिंग है। इस पेंटिंग में दा विंची ने कुछ लेटर्स भी छिपाए हैं जिनको डिकोड किया गया। डिकोड होने के बाद जो लेटर्स थे वो ये थे, ला रिस्पोस्ता सी त्रोवा की, जिसका अर्थ है द आंसर इज हियर, मतलब जवाब यहाँ है। एक वेबसाइट पर यह भी बताया गया है कि मोनालिसा को मिरर में देखने पर एलियंस की तस्वीर दिखाई देती है, और ये तस्वीर उसी जगह पर दिखती है जहाँ दा विंची ने वो लेटर्स छिपाए थे। बताया जाता है कि दा विंची इतनी गहरी पेंटिंग बनाने में माहिर थे कि उन्होंने मोनालिसा की राइट आई की पुतली पर अपने साइन भी किए। ये बात आज के पेंटर्स को काफी हैरान भी करती है। इस बात में कोई भी शक नहीं कि मोनालिसा पेंटिंग बेहद खास और खूबसूरत है, जो आज भी देखने वालों का दिल जीत लेती है। इस पेंटिंग को कई बार चुराने की कोशिश की गई और कई बार इसे तोड़ने की भी कोशिश हुई, लेकिन फिर इसे सुरक्षित और बुलेटप्रूफ शीशे में रखा गया है। ये पेंटिंग पेरिस के लोवरी म्यूजियम में रखी है। वैसे तो मोनालिसा के बारे में काफ़ी रिसर्च हुई है और अभी भी हो रही है, और ये बात कितने हद तक सही है हम ये पक्के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन एक बात जो बिल्कुल सच है वो ये कि मोनालिसा पेंटिंग वाकई बेहद खूबसूरत और हैरान करने वाली पेंटिंग है, जिसे देखकर हमें काफ़ी अच्छा महसूस होता है। मोनालिसा पेंटिंग में जो लैंडस्केप है वो भी बहुत सुंदर है, जो लियोनार्डो दा विंची के सच्चे प्रकृति प्रेमी होने का सबूत देता है। आखिर मोनालिसा पेंटिंग का रहस्य क्या है, इस सच्चाई को अभी तक कोई भी नहीं जानता, लेकिन ये इतिहास की एक अमर और खूबसूरत पेंटिंग है जिसे एक बार जरूर देखना चाहिए। इसके लिए बस एक ही लाइन है, बनाने वाले ने क्या चीज़ बनाई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।